सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग के। स्वागत है आप लोग का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। इस गेम प्ले वीडियो में मैं जा रहा हूँ तो लॉन्च बेस और खेल रहा होता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो कोई क्लच तो खास आपको देखने को मिलेगा नहीं इसमें, क्योंकि मैं पूरी स्क्वाड तो एक बार में वाइप नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी आपको देखेंगे किल्स देखने को। वैसे यहाँ पर मैं उतरता हूँ लॉन्च बेस में, पर कोई यहाँ पर आता नहीं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट वूट करने के बाद हम ऐसे ही घूमते रहते जब तक अपने को जोन नहीं दौड़ाता। आगे देखिए क्या क्या होता है हमारे साथ गेम प्ले में। तो यहाँ पे हम लॉन्च बेस में थोड़ी देर और टिके रहते हैं, यहाँ पे देखते रहते हैं, लूट वूट करते रहते हैं आराम से फुल चौड़ में एकदम। लेकिन इतने में ही मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है आगे यहाँ ही पर आते हुए। तो मैं यहाँ से नीचे कूद के, वो ऊपर जा रहा होता है तो मैं नीचे कूद के उसे मारने की कोशिश करता हूँ, और जिसमें कि मैं कामयाब भी हो जाता हूँ उसे मारने में। और गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसे ही गेम प्लेस वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। अब यहाँ पे थोड़ी और लूट करने के बाद हमें एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं तो हम उसे भी बड़े आराम से मारते चल पड़ते हैं और ये मार देते हैं। फिर इसे मारने के बाद, इसकी पेटी खोलने के बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि जोन भी आ रहा होता है तो यहाँ पे रह तो सकते नहीं। फिर यहाँ से हम सीधा जाते हैं फार्म की तरफ। यहाँ पे फार्म की तरफ उधर से मुझे एक बंदा दिखता है जिसे मैं स्नाइपर्स मारने की कोशिश करता हूँ पर नहीं मार पाता। मैं सोचता हूँ वहाँ पे ज़्यादा सलूश की किसी और से फाइट चल रही हो, तो मैं सोचता हूँ थर्ड पार्टी कर देते हैं जाके। तो फिर मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ यहाँ से उसकी तरफ, बट इतने में ही मुझे यहाँ पर पीछे से घर से एक फुटस्टेप्स आने लगते कुछ एक बंदे के। तो मैं यहाँ पर उसे मारने के लिए रुक जाता हूँ, और ये सामने वाला बंदा, इसे भी हम लोग आराम से मार देते हैं नॉक करके, फिर इसे फिनिश कर देते हैं हम लोग। और इसकी पेटी खोलने के बाद हम लोग चल देते हैं आगे। वैसे उस जिस पे मैं सोचते में वो बंदे की फाइट ओवर हो चुकी होती है, वहाँ से भाग रहा था। मैं सोचता हूँ चल के तुरंत थर्ड पार्टी इस पर भी करते हैं, बट ये गाड़ी मुझसे समय हुई बहुत स्लिप हो रही थी। ये गाड़ी को मैं बड़ी मुश्किल से चलाते हुए आगे निकालता हूँ। पहले मैं सोचता हूँ जोन की तरफ चलते हैं अब सीधे, बट यहाँ पे मैं जैसे मेरी गाड़ी जैसे ही उड़ती है, यहाँ मुझे मैप में फुटस्टेप्स दिखाई देते किसी के, तो मैं तुरंत गाड़ी रोकता हूँ और उतर के सीधे पीछे की ओर भागता हूँ रश करने के लिए उस बंदे पर, क्योंकि वो बंदा अकेला होता है। अब यहाँ पर वो बंदा आगे जा चुका होता है तो उसको मैं पूरा नॉक कर, इसको भी मैं मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वो भी फायर करता है और इसको मैं आराम से नॉक कर फिनिश कर देता हूँ। ये इसके टीममेट ज़िंदा नहीं होंगे और इसे डायरेक्ट किल हो गया। और सामने वाले घर पे भी एक बंदा था जिसे मैंने देखा था, तो मैं उधर जाता हूँ रश करने, बट उससे पहले वही आ जाता है तो उसे भी सबके फाइट लेते हैं हम लोग, और उसे भी आराम से डायरेक्ट किल कर देते हैं। इसका भी टीममेट नहीं अलाइव रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग निकल देते सीधे आगे, क्योंकि हमें जाना होता है जोन में। गाड़ी उठाते और चल पड़ते हैं। तो भाई ये गाड़ी मुझसे एकदम नहीं संभलती। अब यहाँ पे देखना तुम्हारा भाई क्या स्टंट मारेगा, पूरी गाड़ी को हवा में उड़ा देगा। और ये मुझे तो यहाँ ब्रिज क्रॉस करना था, पर यहाँ पर इतनी सारी पेटी देखी और छत पर एक बंदा, और ऐसे ही टाइम पर मेरी गाड़ी भी मुझसे नहीं चल रही होती। इतनी बेकार गाड़ी होती ये वाली। अब यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे थोड़ी देर सोचता हूँ कि मैं पहले हील करूँ या सिर्फ फाइट लूँ। मैं कुछ देर हील नहीं करता, सोचता हूँ कि वो बंदा कहीं नीचे कूद के मुझ पर रश ना करे, बट वो ऊपर ही रहता है, पता नहीं क्यों वो मुझ पर रश नहीं करता। तो पहले मैं यहाँ पे एक एड्रेनलिन शॉट्स लगाता हूँ सिरिंज,
और फिर उस पर रश कर देता हूँ ऊपर जाके। देखिएगा आप लोग, और इसे भी बड़े आराम से मार के हम लोग इसको भी पेटी खोल के देखते हैं और फिर निकलते हैं की तैयारी करते हैं। यहाँ से पहले पूरी आर्म प्लेट पर डल लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है टैंक आ रहा होता है ना, तो मैं सोचता हूँ टैंक लेने जल्दी से चलते, क्योंकि भाई टैंक से तुम्हें एक अजीब सी फीलिंग आती, मतलब फुल शक्तिमान वाली फीलिंग आती। मैं मार्क लगा देता हूँ यहाँ से, अब मैं निकलने की पूरी तैयारी कर चुका होता हूँ, बट उतने में ही पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं मुझे, और फिर ये बंदे को भी हम लोग मार के ही निकलते हैं यहाँ से। अब इसकी पेटी खोल लेते हैं हम लोग, सब लूट मतलब मेरे पास फुल थी, लेकिन पेटी खोलने की आदत है। अब लूट चाहे तुम्हारे पास कितनी भी हो, लेकिन बंदे की पेटी ना खोल के देखो तो वो शांति नहीं मिलती। और इधर एक और बंदा, मैं टैंक ले जाऊँ तो एक और बंदा दिखता है, इसे भी मैं आराम से मार के जाता हूँ। और ये पता नहीं फाइट क्यों नहीं ले रहा था, इसकी पेटी मैं नहीं खोलता क्योंकि आगे मुझे टैंक लेना था इससे पहले कोई और ले ले। और यहाँ पे एक और मैं स्टंट जंप लगाता हूँ, और यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे टैंक होता है, तो इसलिए मैं ये गाड़ी छोड़ देता हूँ। वैसे भी गाड़ी मुझसे चल नहीं रही थी, बहुत स्लिप खाती है। और यहाँ पे मैं हील करते हुए आगे बढ़ रहा होता हूँ अपने टैंक की तरफ, और इस टैंक को मैं ले लेता हूँ। सही भाई, सही बता रहा हूँ, ये टैंक लेने पे ना एक अलग सी फीलिंग आती कि हाँ भाई अब तुम्हारे हाथ में पूरा गेम है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ये इस मैच में जीतने से। अब मैं यहाँ सोचता हूँ कि ये गाड़ी को मैं ये दूसरी टैंक को सॉरी मैं दबा कर दूँ, लेने दें मारता हूँ दो तीन, लेकिन इतने लेकिन मैं सोचता हूँ फिर कि ये जोन तो अब आई है, जोन के बाहर है तो कौन अब लेगा इसे, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर मैं आगे चलता हूँ, और आगे चलते चलते यहाँ पे एक जंप मारता हूँ टैंक से भी, भाई देखो मतलब फुल टैंक से भी तुम्हारा भाई एकदम, और पीछे बंदा इसे भी मैं टैंक से फिर मार देता हूँ एक ही गोली में। और फिर पता नहीं मैं क्या मेरी क्या आदत है, ये टैंक से मैं उतर के फिर से इसकी पेटी चेक करने जाता हूँ। मतलब मेरे पास एक टैंक हुआ है अच्छे से, जिसमें मैं एकदम आराम से खेल सकता हूँ, लेकिन पेटी चेक करनी भाई, बंदे की पेटी खोलो तो शांति तो मिलती। तो यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इस बंदे को मारते हैं। अब ये टैंक की मिसाइल से तो बाहर चला जाता है, तो इसको हम टैंक के ऊपर लगी मशीन गन से मारते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से ले जाता हूँ इस टैंक को मैं, ये भाई साहब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था मुझसे ये टैंक। और फिर यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है सामने एकदम, तो मैं टैंक को पीछे करता हूँ और फिर से इसे मशीन गन से मारते हैं। अब क्योंकि दिख नहीं रहा था तो ये मशीन गन से इसे मारने के बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये बंदा एक और बगल में फाइट लेता है, तो मैं यहाँ पे उतर के इसे अपनी गन से मारता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये एकदम पीछे था मेरे, तो गोली इस पर पहुँचती ना। अब इसे यहाँ पे मेरी रीलोड लग जाती है। अब ये बंदा या तो टैंक में घुस सकता था, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं बड़ा बेवकूफ़ बंदा था, टैंक में घुस के ये सेफ हो जाता, लेकिन कोई नहीं अपनी भलाई हुई। फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ दूसरा, अब यहाँ पे बस एक बंदा और बचा था मेरे अलावा, उसे भी मारना था, तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बस ढूंढते उस बंदे को। इतने में सामने से एक मुझे वो फ्लैश ग्रेनेड की चमक दिखाई देती है, और फिर मैं समझ जाता हूँ बंदा वहीं और सामने दिख जाता है पेड़ के पास, तो मैं उसकी तरफ फायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भी उसके पास मिसाइल लॉन्चर थी और वो टैंक पे ही मारे जा रहा था, तो उसको लगा कि मैं टैंक में अब भी बैठा हूँ, इसका फ़ायदा उठा के मैं पीछे से उसे फायर करने जाता हूँ, और वो मुझे देख लेता है और इधर भी मिसाइल फायर करता है और वो नीचे आ जाता है। और इसे भी मैं बड़े आराम से ख़त्म करके एक और विक्ट्री ले लेता हूँ।
सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय।